हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। फेस्टिवल सीजन आ रहा है, मायरा की डिमांड है कि वो अपने रूम को, अपने हॉल को डेकोरेट करे कुछ क्राफ्ट आइटम्स यूज करके। तो मैं उसके लिए बनाने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी क्राफ्ट। आज मेरे सामने है कार्डबोर्ड का एक पीस, फेविकोल, पेंसिल, रूलर, सीजर, कटर, ये मिरर्स का एक पैकेट है, और साथ में है ब्लैक कलर का चार्ट पेपर और कुछ कलरफुल A4 साइज की शीट्स। इनको यूज करके आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही प्यारा वॉल हैंगिंग। बनने के बाद देखेंगे कि कैसा बनता है। अभी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस कार्डबोर्ड को एक स्क्वायर शेप में कट करूंगी। पहले ड्रॉ करेंगे फिर कट करेंगे। तो मैं रैंडमली इसको ड्रॉ कर रही हूँ। स्क्वायर शेप हमें चाहिए इसके लिए। अब हम इसको कटर की हेल्प से कट कर देंगे। बहुत ही प्यारा वॉल हैंगिंग बनने वाला है। आप आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना। स्क्वायर शेप का कार्डबोर्ड हमारा कट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर ब्लैक कलर का चार्ट पेपर पेस्ट करेंगे फेविकोल की हेल्प से। ब्लैक कलर का चार्ट पेपर हमने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। उसके बाद हम यूज करेंगे ये 3 कलर्स की शीट्स। हमारे पास है रेड, ऑरेंज एंड येलो। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने ये तीनों कलर के पेपर्स चूज किए। अब मैं ऑरेंज कलर के पेपर के स्क्वायर शेप के छोटे छोटे पीसेस कट करूंगी। उससे पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ कि मुझे कितने साइज के स्क्वायर शेप चाहिए इसके लिए। अब हम करेंगे इनको कट। तीनों कलर के पेपर्स हमने कट कर लिए हैं। देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। अब हमने इन पेपर्स को इस कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट करना है। सबसे पहले हम करेंगे येलो कलर का स्क्वायर पेस्ट। उसके बाद हम पेस्ट करेंगे रेड कलर का पेपर, देन ऑरेंज कलर का पेपर। इसी तरह से हम ये सारे पेपर्स जो कट किए हुए हैं उनको इस ब्लैक कलर के कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट करेंगे। कलरफुल स्क्वायर पेपर्स हमने इसके ऊपर पेस्ट कर दिए हैं। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है इसमें ऐड करना। इसको ड्राई होने देते हैं, तब तक हम कट करते हैं लॉन्ग स्ट्रिप इन तीनों कलर के पेपर्स को यूज करके, जिसको हमने इस कार्डबोर्ड के बैक साइड पे पेस्ट करना है। तो चलो जल्दी से कट कर लेते हैं। तीनों स्ट्रिप्स पे मैंने कलरफुल स्क्वायर पेपर्स पेस्ट कर दिए हैं। और स्माइरा भी स्कूल से आ गई। हेलो एवरीवन। स्माइरा, एक वॉल हैंगिंग ऑलमोस्ट रेडी हो गया। आपने बोला था ना मेरे रूम के लिए वॉल हैंगिंग्स बनाओ। हाँ जी मम्मा। तो ये देखो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा डेकोरेट करो। वो तो पता ही है, डेकोरेट तो करना ही है। देखो हमारे सामने मिरर्स का पैकेट है ना, इसी से तो ये डेकोरेट होगा, फिर ये होगा कम्प्लीट। ओके ठीक है, इसको करें फिर डेकोरेट। करो, आप मेरी हेल्प करोगे? यस। ठीक है, अब हम ये मिरर्स लगाएंगे ये जो स्क्वायर्स हैं इनके अंदर। चलो स्माइरा आप इसको पेस्ट करना, मैं ग्लू लगाती हूँ। ओके ओके, फिर आपको भी अच्छा लगेगा ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट करना। आप करते हो ना, यूट्यूब फैमिली को करके दिखाना फिर पर्सनल अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट। स्माइरा को बहुत शौक है ये सब करने का। इसका क्या करेंगे हम? इससे हम मिरर उठाएंगे ऐसे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, तो अब मैं ग्लू लगाऊंगी, आप मिरर पेस्ट करना। ओके चलो एक और लगाकर दिखाओ मुझे। यस बिल्कुल ऐसे। तो जल्दी से मिरर्स पेस्ट कर देते हैं इसके ऊपर, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि हमारा वॉल हैंगिंग कैसा बना है। मैंने और स्माइरा ने मिलकर मिरर्स लगा दिए हैं। अभी हम लगाएंगे रिबिन बैक साइड पे, जिसकी हेल्प से हम इसको वॉल पे हैंग कर सकें। तो छोटा सा पीस एक रिबन का कट कर लेते हैं और इसको ग्लू से
पेस्ट कर देते हैं। रिबन भी हमने पेस्ट कर दिया है और उसके ऊपर एक पेपर का पीस भी पेस्ट कर दिया है ताकि ये निकले ना, और इसको ड्राई होने देते हैं। उसके बाद वॉल पे हैंग करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा वॉल हैंगिंग कैसा बना है। तब तक मम्मा मैं आपको कुछ और बनाकर दिखाऊं। क्या? ये तीन मिरर से इसमें अलग अलग शेप्स निकली हैं। हाँ, तो क्या बनाओगे आप इससे? देख लो आप ही। वाओ स्माइरा, ये क्या बना दिया आपने? फ्लैग का सिंबल। वेरी गुड, शीशे से देखो फ्लैग का सिंबल बना दिया स्माइरा ने। इससे पता चलता है कि स्माइरा की एक और हॉबी एक्टिंग के साथ साथ क्या, आर्ट एंड क्राफ्ट। और स्माइरा को जब भी फ्री टाइम मिलता है ना, ये कुछ ना कुछ बनाती रहती है। तो फिर किसी और व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि किस टाइप की क्राफ्ट ये करती है जो मुझे भी नहीं आती है, ठीक है? और चलो अंदर चलते हैं रूम में और इसको हैंग करके देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कैसा लग रहा है। यहाँ पे हम हैंग करेंगे इसको। स्माइरा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मैंने आपके बेडरूम की वॉल पे लगाया इसको। Yes. अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा। मेरी डिमांड पर मम्मा ने वॉल हैंगिंग बना दिया है। ये तो एक बनाया है, एक से थोड़ी ना रूम डेकोरेट होगा। बहुत सारे बनाने पड़ेंगे। आपको दिखाएंगे हम कि उसके लिए हम कौन कौन सा मटेरियल यूज करेंगे। अगर आपको आज का हमारा वॉल हैंगिंग अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। तो मिलते हैं फिर जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।